हेलो, तो क्या हाल चाल है भाई? आप सभी के सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने Redmi 7A में लेटेस्टली एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिसीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपके पास इस स्मार्टफोन में जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है तो उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ना आई हो, लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कब इस अपडेट का रोल आउट जो है हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, कितना इस अपडेट का साइज है। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आगे चलकर आपको वीडियो में देने ही वाला हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो में आपको Redmi 7A का जो MIUI 12 का अपडेट का स्टेटस है तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो Redmi 7A में हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट रिसीव होता हुआ देखने को मिला है उसके बारे में मैंने पिछले दिन एक वीडियो बना दिया था, जो कि #weeklyupdateNews में मैंने उस न्यूज़ को कवर किया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं हर हफ्ते की जो टॉप क्लास अपडेट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो हर सैटरडे रात के 8-9 बजे मैं अपने चैनल पर #weeklyupdateNews पब्लिश करता ही हूँ। तो दोस्तों, जो Redmi 7A का हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट रिसीव होता हुआ देखने को मिला है तो इस अपडेट का साइज़ है वर्जन 11.0.5.0। तो .5 इस वर्जन के साथ ये वर्जन हमें जो है रिलीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस अपडेट के साइज के बारे में बात करें तो इस अपडेट का साइज है 1.7 GB। तो हाँ भाई, काफी बड़ा ये साइज है और जो भी बग्स हमें पुराने एंड्रॉइड 10 अपडेट के साथ यहाँ पर देखने को मिले थे तो वो सभी बग्स अभी यहाँ पर फिक्स किया जाना शुरू कर दिए गए हैं। तो अगर आपके Redmi 7A में कुछ आपको इशू फेस करने को मिल रहा था जब से आपने एंड्रॉइड 10 अपडेट को इंस्टॉल किया है तो हाँ, ये जो बग्स हैं वो यहाँ पर कुछ फिक्स किया जाना शुरू कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही इस अपडेट के साथ तो हमें ज़्यादा कुछ फीचर्स ऐड होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। आप जानते हैं MIUI 12 पहले ही फीचर रिच OS है, तो इसी के साथ ही हमें यहाँ पर नवंबर का सिक्योरिटी पैच जो है लेटेस्टली यहाँ पर अपग्रेड कर दिया गया है। दिसंबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन हाँ, नवंबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो ये भी एक लेटेस्ट ही सॉफ्टवेयर अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद कुछ और तो ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली हैं। सिस्टम की स्टेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। तो हाँ, बस कुछ यही जो नई चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर ऐड होती हुई देखने को मिली हैं। तो इसका जो रोल आउट है वो अभी ग्लोबली किया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जो इंडियन डिवाइसेस हैं, इंडिया में अभी तक इसका कोई पता नहीं है कि ये अपडेट आ रहा है या नहीं। हो सकता है 1-2 दिनों में इसका रोल आउट इंडिया में भी किया जाना शुरू कर दिया जाए, लेकिन ग्लोबली इसका रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। तो होप कि इंडिया में भी बहुत जल्द ये अपडेट आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्द इसका अपडेट आपको आ जाएगा। और जब भी मुझे मेरे Redmi 7A में ये अपडेट रिसीव होता है तो मैं कम्युनिटी में आपको पोस्ट करके बता दूंगा कि हाँ, जो अपडेट है वो अभी इंडिया में भी रोल आउट करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल ग्लोबली तो इसका रोल आउट शुरू कर ही दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं आपको Redmi 7A के MIUI 12 अपडेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दूं तो MIUI 12 का ऐसा है भाई कि जो Redmi के जितने भी डिवाइसेस अभी Android 10 और माफ़ कीजिएगा Android 11 और MIUI 12 के एलिजिबल हैं, तो उनका जो बीटा टेस्टिंग है वो अभी पोस्टपोन कर दी गई है, यानी कि सस्पेंड कर दी गई है थोड़े दिन के लिए, जब तक आपका MIUI 12.5 रिलीज नहीं हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी नहीं दे दी है कि MIUI 12.5 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, तो तब तक ये जो बीटा अपडेट्स हैं वो सस्पेंड रहने वाली हैं जब तक हमें MIUI 12 के बारे में 12.5 जो आने वाला है उसके बारे में सुनने को ना मिल जाए और वो रिलीज ना हो जाए। तो होप कि इस महीने के बाद से, यानी कि जनवरी से, हमें Redmi 7A में MIUI 12 भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस ये दे दी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन। अगर इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग पोस्ट और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें #AskKG अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है, वहां पर जाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज रात को वहां पर हमारा #AskKG, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज है, वो भी आने वाला है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में Instagram का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर हमें फॉलो कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।